पाप है, कोई संसार का चिंता नहीं, दुनिया जहन्नुम में जाए कुछ चिंता नहीं। ज्ञानी का मतलब यही, ज्ञानी वही है। क्या भगवान शंकराचार्य क्या कहते, कहते जन कृपा नैष्ठुर्य उत्सर्जताम, जन कृपा भी छोड़ो और निष्ठुरता भी छोड़ो। जन कृपा में पड़ जाओगे तो झमेले में पड़ जाओगे, दुनिया से ठिकाना नहीं लगेगा। जन कृपा कहां तक करोगे, बन नहीं सकता। अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी सब जन कृपा करोगे, सबकी मुक्ति कब होगी, कब तुम्हारा इंतजाम होगा। हाँ, बौद्धों में महाजानी, महाजानी बौद्ध, महाजानी बौद्धों का यह संकल्प है कि हमको मुक्ति की कल्पना तब तक नहीं करनी है जब तक अनंत कोट ब्रह्मांड के एक एक प्राणी सबके सब न मुक्त हो जाए। अनंत ब्रह्मांड के अनंत प्राणी सब मुक्त हो जाएंगे तो हम मुक्ति के बाद सोचेंगे। ये महाजानी भिक्षु जो होते थे, महाजानी भिक्षु महाजान पंथ के अनुयायी, वो अपनी मुक्ति की कभी कल्पना ही नहीं करते। उनकी मुक्ति वही है कि दूसरों के हित के लिए अपना सिर कटाना, अपनी आंख निकाल कर देना, अपना आंख निकाल कर देना, या ऐसे लोगों का बोधिसत्व नाम होता था, बोधिसत्व, बोधिसत्व बौद्ध साहित्य में उनकी खूब चर्चा आती है। और अपने ग्रंथ में भी जो ये है क्या नाम, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर में ऐसे बोधिसत्वों की काफी चर्चा है। बोधि बोधिसत्वांश संभव आयता एक क्या नाम बड़ा है, और बोधिसत्व मनुष्य के रूप में नहीं होते, कहीं शूकर के रूप में, कहीं सिंह के रूप में, कहीं पशु किसी के रूप में भी वो बोधिसत्व और सिद्ध होते, सिद्ध होते हैं बोधिसत्व। लेकिन उनकी सारी सिद्धि का एकमात्र उद्देश्य प्राणी का हित करना। एक कोई बोधिसत्व बराह था शूकर, तो वर्षा बड़ी हो रही थी, जाड़ों के दिन थे, माघ पूस के दिन से वर्षा भयंकर चल रही थी। एक बूढ़ा सिंह, बूढ़ी सिंहिनी, उसके कुछ बच्चे कई दिनों से भूखे पड़े थे, वहीं मान में उसके पास रहते थे। तो शूकर ने देखा कि तो सब बड़े बेचारे भूखे हैं, कई दिनों से हैं, अभी मेरा शरीर किस काम में आएगा, सोच करके अब था इनकी भूख मिटानी चाहिए। बड़ा उनके पास था, वहां से आप मुझको खाइए। आश्चर्य में सिंह पड़ गया, ये दुनिया हमसे भागती है, ये बड़ा आया है कहता है खाओ, और भूखा था खाने लगा, खाने लगा। तो जरा मन में रहम भी आती है, क्योंकि देखा कि ये तो किसी दूसरे जानवर को खाने लगते हैं तो क्रुद्ध होता है वो, और वो उसका शत्रु बनता है, उसको मृत्यु मानता है। लेकिन ये तो ऐसी स्नेह भरी दृष्टि से देखता है कि मानो हम इसका उपकार कर रहे हैं। सिंह देख रहा हम इसको खा रहे हैं, समझ रहा है मानो हमारा उपकार कर रहे हैं। उसकी मुक्ति आकृति, उसका उसका दिव्य अद्भुत प्रभाव, वो प्रभाव सिंह को प्रभावित करता। उन्होंने कहा महाशय आप रुकिए नहीं, चिंता मत कीजिए, अभी आपका पेट नहीं भरा है, अभी मांस खूब है हमारे शरीर में, अभी आप खाइए इसी तरह से। तो ऐसे ऐसे लोग, उन बोधिसत्वों का तो ये लक्ष्य था कि संसार के अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी जब मुक्त हो जाएंगे तब फिर हम मुक्ति की बात सोचें। तब तक हमको मुक्ति की बात सोचना नहीं, तब तक क्या करना है कि प्राण देने से भी, सिर कटाने से भी, आंख निकाल कर देने से भी, आंख निकाल कर देने से भी, और रंतदेव की तरह या क्या नाम दधीच की तरह या शिवी की तरह अपना कण कण काट करके दूसरे प्राणियों के हित के देने के लिए यदि आवश्यकता हो तो उसके लिए बात जो होते हैं प्रतीक्षा करते हैं समय कब आएगा, क्षमा की प्रतीक्षा। एक कोई राजा गया, कई उसकी बड़ी सुंदरियां रानियां थी, रानियां थी बड़ी सुंदरियां रानियां, तो वो गए तो महात्मा किसी दृष्टि से उधर देख रहे थे। राजा को भ्रम हुआ कि हमारी रानी बड़ी सुंदरी रानी है, उसको एक काम दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी आंख निकाल ली। महात्मा आंख निकाल लिया तो देवता जो है प्रत्यक्ष प्रकट हुई और कहा मुझको आज्ञा दो, हम इसको दंड दें दुष्ट को। उन्होंने कहा दंड नहीं दो, इनको आशीर्वाद दो, इन्होंने कृपा किया है, हमको क्षमा का अवसर तो दिया, ये अवसर न होता तो क्षमा हम करते कब, कैसे करते क्षमा, क्षमा का एक अवसर इन्होंने प्रदान किया।
बड़ी बड़ी ऊंची दशा होती है, सब कुछ होती है, लेकिन मुक्ति की कल्पना जहां करनी होती है, ज्ञान विज्ञान की कल्पना जहां करनी होती है, तहां कहते जन कृपा निष्ठुर मुत्सद्यताम, जन कृपा भी छोड़ो निष्ठुरता भी छोड़ो, नहीं तो भी ठीक है महाजानियों की तरह पड़े रहो भोगो, ठीक है। मुक्ति की बात है तो फिर जन कृपा के तंटे से बचो, निष्ठुर भी मत बनो, निर्दयता भी बड़ी खराब है, मध्यस्थ मध्य मार्ग से चलो, मध्यस्थ मवलंबे बढ़तताम। तो शंकराचार्य महाराज के पास को किसी ने अपना मरा लड़का, कोई ब्राह्मण का मरा लड़का, लड़का मर गया, उसका बड़ा दुखी था, संतप्त था, सुना शंकराचार्य महाराज पधारे, आद्य शंकराचार्य, उनके सामने ले जाकर लड़के को डाल दिया। वो महात्मा तो जन कृपा निष्ठुर मुत्सद्यताम का उपदेश करने वाले, उन्होंने अपनी वही नीति अपनाई, भगवान से बोले हे भगवान देखो ये सब काम आपका है, हमारा काम नहीं। दयालु रसमर्थस्य दुखायैव दयालुता जगत रक्षा धुरीणस्य सा तवैकस्य शोभते। कोई दयालु हो और असमर्थ हो, उसकी दयालुता केवल उसको दुख देगी। दयालु हो समर्थ हो तो ठीक है, दया फायदेमंद है। दयालु हो समर्थ हो तो उसकी दया फायदेमंद है, लेकिन दयालु है और सामर्थ्य है नहीं, दुनिया का दुख देखकर परेशान है और कुछ कर सकता नहीं, बेकार की बात, क्या फायदा उस दया से। तो बोले दयालु और असमर्थस्य, जो दयालु है और असमर्थ है उसकी दयालुता केवल उसके दुख का कारण है। महाराज जगत रक्षा धुरीणस्य सा तवैकस्य शोभते, जगत रक्षा का भार वहन करने वाले आपको ही वो दयालुता शोभा देती है, अपने पास उस दयालुता को रखो कृपा करके। ब्राह्मण का लड़का तो जी उठा, उनकी ऐसी कहने से ब्राह्मण का लड़का तो जी उठा, लेकिन उनकी भावना ये उन्हीं को अच्छा लगती है जो भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम, वही दयालु बने तो अच्छा। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि जहां ज्ञानी लोग इस प्रकार के इससे बचते हैं, तो भगवान से बढ़कर ज्ञानी कौन है? भगवान सबसे बड़े ज्ञानी, उनकी दृष्टि में तीन काल में जगत हुआ ही नहीं, तीन काल में जगत हुआ ही नहीं, काहे को दया? दया किस पर? संसार हो, जगत हो, और राग हो, लाग लपेट हो कुछ हो, तो दया करो। लाग नहीं, लपेट नहीं, कोई संसर्ग नहीं, असंग आप्त काम पूर्ण काम परम उदासीन। कैसे घर का दीपक चोर आवे चोर को भी प्रकाश कर दे, घर का मालिक आए घर के मालिक को भी प्रकाश कर दे। घर का दीपक थोड़ो ने कहता है चोर है घर का मालिक, चोर हो तो मालिक हो तो प्रकाश का काम प्रकाश देना है बस। जैसे साक्षी निर्विकार आत्मा दुख हो तो प्रकाश दे, सुख हो तो प्रकाश दे, दयालुता हो तो प्रकाश दे, निष्ठुरता हो तो प्रकाश दे, वो तो निर्विकार अखंड अनंत शुद्ध संबित अखंड बोध रूप है, निर्विकार प्रकाश स्वरूप है, क्या उसका जमेले से मतलब। तो इस तरह से ऐसे परम ज्ञानी शिरोमणि भगवान के लिए भी विक्लिन्न हृदयो हरि, श्रीधर स्वामी निकालते हैं सार। तो द्वात्रिन से विरहालाप विक्लिन्न हृदयो हरि, तत्राविर्भूय गोपी स्ताः सांत्वयन मानदो हरि। श्री भगवान कहते विरहालाप विरहालाप विक्लिन्न हृदयो हरि, विरहमय जो आलाप है, गोपांगना जो भगवत विरह से पीड़ित होकर, भगवत विरह जन तीव्र ताप से पीड़ित होकर, गोपांगना जो भगवान का गान कर रही हैं,
उसी विरहालाप से विक्लिन्न हृदय हरि भगवान का हृदय विक्लिन्न हो गया गीला हो गया। कितना भी शुष्क हृदय हो, कितना भी शुष्क हृदय हो, अरे प्रेमी के शरीर से संबद्ध हवा भी लग जाए, प्रेमी के शरीर से संस्पृष्ट वायु का स्पर्श हो जाए, तो कठोर से कठोर हृदय में भी कुछ द्रवता, कुछ गीलापन, विक्लिन्नता आ जाती, विक्लिन्नता। तत्राविर्भूय गोपीस्ताः सांत्वयन् मानदो हरि, उन गोपियों को सांत्वना देते हुए, सम्मान करते हुए, आदर करते हुए गोपांगनाओं का भगवान प्रकट हुए। स्वप्रेमामृत कल्लोल बिह्वली कृत चेतसा, स्वप्रेमामृत कल्लोल बिह्वली कृत चेतसा, सदयम नंदयन गोपी ही उद्गतो नंदनंदन भगवान प्रकट होते। ऐसे करते हुए कहते हैं स्वप्रेमामृत कल्लोल बिह्वली कृत चेतसः, गोपांगना कैसी है भगवान के प्रेमामृत कल्लोल से, प्रेमामृत की जो दिव्य तरंगें हैं, प्रेमामृत समुद्र की जो दिव्य लहरें हैं, प्रेमानंद महासमुद्र की जो दिव्य लहरियां हैं, तरंगें हैं, उनके द्वारा जिनका चित्त विह्वलित हो रहा, ऐसी गोपांगनाओं को देख करके सदयम भगवान के हृदय में दया प्रकट हो। आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम ज्ञानी शिरोमणि, बड़े शुष्क हृदय वाले भगवान, उनके हृदय में भी दया का संचार, सदयम सदय भगवान सदय हुए, सदयम नंदयन गोपी उद्गतो नंदनंदन भगवान उन गोपांगना जनों को आनंदित करते हुए प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए हैं, उनके इसी करुणा। सुखदेव जी राजन संबोधन देते हैं, राजन रुदुस्तुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसाह, यहां तक बीच में राजन शब्द का संबोधन नहीं है अभी। राजन क्या मतलब, एक राजन आप सार्वभौम श्री से युक्त थे, राजा है ना आप, सार्वभौम स्त्री से राजमान, राजा माने राजमान, किससे राजमान, सार्वभौम स्त्रिया राजमान, सार्वभौम स्त्री से राजमान, साम्राज्य स्त्री से राजमान, तब तक हमारा दर्शन हुआ तुमको। सुखदेव जी कहते हैं राजन सार्वभौम स्त्री से तुम समन्वित रहे जब तक हम कभी मिले, तुमको याद है, तुमको कभी तुम्हारे दरबार में गए थे ना, कभी सुखदेव का दर्शन था। तो सार्वभौम स्त्रिया राजमानस्यापि तव न मद्दर्शनम संपन्नम, सार्वभौम स्त्री से संपन्न भी रहे तुम तो भी हम कभी तुम्हारे दरवाजे नहीं गए, कभी तुमको हमारा दर्शन नहीं हुआ, लेकिन दैन्य स्त्रिया राजमानस तुम मम दर्शनम संपन्न, इसमें दैन्य स्त्री मिली तुमको, राज्यपाट छोड़ दिया, अरण्यवासी होकर गंगा तट आ गए, निश्चय हो गया 7 ही दिन अब तो रह गए मरने के, यही तो राजा परीक्षित को निश्चय हो गया, 7 हो गया 7वें दिन तक तक नाग तुमको डस लेगा, मर जाओ, अब साम्राज्य छोड़कर अनंत ऐश्वर्य का त्याग करके बंधु बांधव
पत्नी पुत्र सब का परित्याग करके अब सार्वभौम स्त्रिया समन्वित नहीं, दैन्य स्त्रिया समन्वित, दैन्य स्त्री से समन्वित हुए। ये दैन्य का कल बड़ा महत्व बतलाया था, दैन्य। तो दैन्य स्त्री से समन्वित हुए तो सुखदेव का दर्शन हो गया, सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। उसी तरह से कहते हैं कोई प्राणी कितनी सार्वभौम स्त्री से समन्वित, सर्वस्त्री समन्वित हो, जब तक दैन्य स्त्री से समन्वित नहीं तब तक भगवान का दर्शन नहीं। जहां प्राणी दैन्य स्त्री से समन्वित हुआ, दैन्य भाव से युक्त हुआ, वहीं भगवान का दर्शन। इसलिए भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में, अनुराग साधना में सबसे बड़ी चीज दैन्य, दैन्य प्रभु पर निर्भर होना, निस्साधनता का अनुभव करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते, नाथ मेरे पाप रूपी पहाड़ मेरे सुकृत रूपी नकनिकृंदन से खोदे जाएंगे। कोई बड़े सुमेरु पहाड़ को चाहे नाई की नहन्नी से खोद करके, हम इसको नाई नाखून काटता है कितनी छोटी सी नहन्नी होती है, तो कोई कहे नकनकृंदन से पहाड़ को खोद करके फेंक दें, समाप्त कर दें, जैसे नामुमकिन है, असंभव है। तो कहते मेरे सुकृत रूपी नकनकृंदन से मेरे पाप रूपी पहाड़ों का कहीं अंत हो सकेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं। ये तो केवल मात्र अकारण करुण, करुणा वरुणालय, अशरण शरण, प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर है, बस और कुछ प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर। इसीलिए ऊंची साधना, भक्तों की ऊंची साधना और कुछ नहीं, प्रभु के उस मंगलमयी भास्वती भगवती अनुकंपा का ही बाट जोहना। आपको पिता संध्या क्यों करें, सूर्य अर्घ क्यों दे? अरे भाई उसका साधन ही, खूब संध्या बंदन करो, खूब सूर्य अर्घ दो, खूब सूर्योपस्थान करो, खूब बलवैष्णदेव करो, खूब अग्निहोत्र दस पूर्ण मास करो, खूब दान करो, खूब बलिदान करो, तब वो कृपा प्राप्त होगी, तब उस अनुकंपा की बाट जोहने की क्षमता आएगी। भगवान की मंगलमयी भास्वती भगवती अनुकंपा का बाट जो होना ये सबके बस की थोड़ा ना। लोग को एक कई दिन में निराश हो जाते हैं, ये कई दिन में निराश हो जाते हैं, लेकिन जो अनुकंपा की बाट जो होने वाले हैं वो कल्प कल्पांतरों तक निर्निमेष नयनों से टकटकी बांध कर निर्निमेष नयनों से उसकी बाट जोह रहे हैं और कभी निराश नहीं हो। चातक पपीहा पीहू 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 कर रहा है, पानी मांग रहा है, नहीं पानी मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, ओला मिल रहा है, और अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए, पंख टूट गए, सब कुछ उपद्रव हो गया, और उसकी आशा नहीं भंग हुई, स्वाति बिंदु की आशा नहीं भंग हुई। वो स्वाति बिंदु की आशा लिए पपीहा पीहू 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 करता ही जा रहा, उसकी उस रटन में जरा सी भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं हो रही। ऐसी जिनकी अनुकंपा की बात जोहने की धैर्य पूर्वक कई वर्ष कई हजार वर्ष बीत गए सबरी को गुरु वचनों में विश्वास था, रामचंद्र राघवेंद्र अवश्य पधारेंगे, तुम स्वागत करना, तुम रामचंद्र राघवेंद्र भगवान का स्वागत करना, तुम्हारे भवन में आएंगे भगवान, बस विश्वास। कब आएंगे? जब आएंगे, आएंगे जरूर, गुरुदेव ने कहा है, आएंगे, अवश्य आएंगे।
गोमय से प्रांगण, प्रांगण का विलिंपन करती है, गोमय से आंगन लीपती है, फूलों की बहुत दिव्य सैया लगाती है, मार्ग साफ कर जाती है, दूर तक मार्गों में फूल डाल जाती है, और एकटक नयनों से, निर्निमेष नयनों से, निमेषों निमेष विवर्जित नयनों से, अपलक नयनों से, नयन कमल के पांवड़े डालती हुई प्रभु के मार्ग में, प्रभु के आगमन का बाट जो होती है, आज नहीं आए, अच्छा शाम को आएंगे, सवेरे नहीं आए, दोपहर को आएंगे, दोपहर नहीं तीसरे पहर आएंगे, आज नहीं अच्छा कल आएंगे, नहीं आएंगे ये कल्पना नहीं हुई स्वप्न में भी, नहीं आएंगे ये कल्पना, आएंगे अवश्य निश्चित, ये आगमन की बाट जोहना, भगवान के आगमन का बाट जो सुनाया था ना, एक दिन गोपी को कहा भगवान ने कि आज तुम्हारे यहां आएंगे सखी, रात बिचारी जागती रही, भगवान आए नहीं, दिन को मिले श्याम सुंदर आपने कहा था आने को, कहा सखी मैं गया तो तेरी आंख लगी हुई थी लौटा, गया तेरी आंख लगी हुई, मैंने कहा कौन जगाए लौटा, हाय हाय श्याम सुंदर मदन मोहन, वो बैरिणी निंद्रा कहां से आ गई, बड़ी बड़ी बैरिणी निद्रा, हाँ मदन मोहन प्राणनाथ आज आप अवश्य आना, आज नहीं आने दूंगी बैरिणी निद्रा को, अब बैठती है हा? पलकों को पढ़ने नहीं देती, विधाता को कोसती है, विधाता पलक कैसे तुमने दे दिया, एकदम चित्त वृत्ति भी इधर उधर नहीं जाने देती, सोचती ऐसा ना हो इधर उधर चित्त वृत्ति जाए, प्रभु प्रियतम पधार कर लौट जाए, जहां जहां पलकों पलकों में पलकों का भी विक्षेप नहीं सहन कर सकती, चित्त वृत्ति की इतस्ततः विभ्रांति नहीं सहन कर सकती, पूरी समाधि के साथ, निर्विकल्प समाधि के साथ, प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति आदि पंचविध वृत्तियों की जो क्लिष्टा अक्लिष्टा विविध वृत्तियां हैं सबको खत्म करके और शुद्ध निर्निमेष नयनों से एकाग्र चित्त से प्रभु के आगमन का बाट जो होती, समाधि यही तो है, और समाधि क्या होती है, समाधि और क्या बला है, यही समाधि। इस तरह से बड़ी ऊंची बात है ये बात, जिस सौभाग्यशाली को प्राप्त हो जाए सब आ जाता। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। कुछ नहीं करते, केवल आपकी अनुकंपा की ही प्रतीक्षा कर, सुसम सुष्ट रूप से सम्यक रूप से ईक्षण करते हो, आपकी अनुकंपा की ही बाट जो हो रही। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, सुख दुख आज ज्वर हो गया, शूल हो गया, आज आंख में दर्द हो गई, इसके लिए जरा बड़ा यो अच्छा कर दो, ये सब कुछ नहीं, ये जो कुछ हमारा प्रारब्ध है भोग लेंगे, जो दुख सुख हमारे प्रारब्ध में है भोग लेंगे, उसके लिए कुछ भगवान से नहीं कहना। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृत कर्मों के विपाकों को शरीर के अनुसार जैसा तैसा भोगते चलेंगे। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, करते क्या है, हृद्वाग्व पुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदे सदाय भा। हृदय से प्रभु को नमस्कार करते हैं, वाणी से प्रभु को नमस्कार करते हैं, शरीर से प्रभु को नमस्कार करते हैं, या प्रभु की उस मंगलमयी भास्वती भगवती अनुकंपा को ही नमस्कार करते हैं, बस उस अनुकंपा की ही बाट जो होती हुई जो जीवन धारण करते हैं, मुक्ति पाद मुक्ति पद के लिए उनको किसी से प्रार्थना नहीं करनी है, मुक्ति दो, वो तो हिस्सेदार है, जैसे बाप की बपौती मिल्कियत में, बाप की बपौती मिल्कियत के में बेटे पोते को हक है, कोई मांगना थोड़ा ना पड़ता है, हक ही है, वो तो मिलेगा ही, क्या प्रश्न, तो बाप की बपौती मिल्कियत है मुक्ति, तो मुक्ति के लिए क्या, मुक्ति के लिए क्या परवाह करें, इसीलिए वो भक्ति मुख्य, प्रेम मुख्य, अनुराग मुख्य, उस पर ज्यादा
उनका ध्यान जाता है और तो सब बहुत ही मिल्कियत मुक्ति की हो जाए। इस तरह से ये सब बात बनती तभी है जब प्राणी उसके लिए वही सब भगवत गुणगान भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन और वही गदगद कंठ से विकलन्न हृदय से विकलन्न हृदय होकर विधि गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त चित्रधा। भगवत संबंधी चरित्रों में अनर्थक वचन भी बहुत से बोलते हुए जिसका कुछ अर्थ नहीं है, या भगवान अर्थ जानते हो? भक्तों के अनर्थक वचनों का अर्थ भगवान ही जानते, दूसरा कौन जाने? किसी कामिनी के तत्त्व संकेतों को उसका कामी ही जानता है, अनुरागी के तत्त्व अनुराग परिप्लुत वचनोच्चारों का संकेत का अभिप्राय रसिक शिरोमणि प्रभु ही जानते हैं, और कौन जानेगा? ये हमने दूसरी दृष्टि से भगवान को शुष्क कह दिया है, असल में शुष्क नहीं समझना, भगवान बड़े सरस रसिक शिरोमणि। अरे रसिक शिरोमणि क्या रस स्वरूप है, जिस रस को पा करके दुनिया रसिक बनती है, जिस रस को पा करके दुनिया रसिक बनती है वो रस स्वरूप ही तो भगवान, रसो बैसा वेद कहता, रसो बैसा रस स्वरूप भगवान है। इसलिए इन भक्तों इसीलिए आरंभ में गोपी गीत का वर्णन करते हुए बोले, गोपांगनाओं के गोपिका गीत का अर्थ तो कृष्णैकगम्य कृष्ण ही जानते। और भी ऐसी ऐसी बातें भगवान शंकराचार्य सौंदर्य लहरी या आनंद लहरी का वर्णन करते हुए जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा षोड़शी के रूप के संबंध में कहते हैं, परम शिवद्रंग मात्र विषया मधु क्षीर द्राक्ष रसना मात्र विषया तथा ते सौंदर्यम परम शिवद्रंग मात्र विषया। मधु द्राक्षा दूध की मिठास कैसी है भाई, मधु की मिठास कैसी है, और मुनक्का अंगूर उसकी मिठास कैसी है, जरा इनके भेद को बतलाओ तो सही। मधु की मधुरिमा, दूध की मधुरिमा, शर्करा की मधुरिमा, द्राक्षा की मधुरिमा, इन मधुरिमाओं का भेद क्या है जरा बताओ तो सही। है वाणी का विषय, कोई वाणी से वर्णन कर सकता है? नहीं वर्णन कर। रसना मात्र भी, रसना का ही विषय, रसना ही अनुभव करती है, रसना ही अनुभव कर सकती है। ये कौन मिठास है, ये कौन मिठास है, ये कौन मिठास है, ऐसे कहते जननी आपके अनंत सौंदर्य का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता है, तो परम शिवद्रंग मात्र विषय, केवल परम शिव की दृष्टि का गोचर है, दूसरे की दृष्टि का गोचर ही नहीं, शिव ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। श्री गोपांगनाओं के वचनामृत का रसास्वाद, श्री गोपांगनाओं का जो पवित्र गीतामृत है, इस गीतामृत का माधुर्य तो मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन रसिक शिरोमणि कृष्ण ही जानते हैं, दूसरा।
और तो उनकी अनुकंपा से कोई कोई कुछ 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 वर्णन कर देता है। अपनी रचना को शुद्ध करने के लिए, अपने स्रोत्र और हृदय को शुद्ध करने के लिए ये सब व्यापार है। इस दृष्टि से प्रलापो नर्थकम बचा, प्रलाप अनर्थक वचन को ही कहते हैं, पर वही लोक दृष्टि से अनर्थक वचन होता हुआ भी उसका अर्थ, जैसे श्रुतियों जो श्रुतियां हैं, दो पंडित बड़े अच्छे अच्छे काशी के, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान दो पंडित वेदांत के ऊंचे ऊंचे पाठ पढ़ाने वाले, पहले पहले जब हम आए काशी में मोतीराम के बगीचे में ठहरे, वो ऐसे पेड़ था छत उसी के नीचे, वो आए दर्शन करने दो महाराज। कहने लगे महाराज ये सब बड़े बड़े वेदांतों के ग्रंथों को पढ़ा तो लेते हैं, अद्वैत सिद्धि और चित्त सुखी और खंड खंड खाद दो, बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथों को पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन इसका सबका हासिल बात क्या है, है क्या अर्थ, ब्रह्म कैसा निर्गुण निराकार कहाँ कहाँ रहता है, क्या है कैसा है, ये सब कुछ नहीं समझ। पढ़ाते तो हैं तो मतलब पंक्तियों का अर्थ लगाते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, श्रुतियां भी देखते हैं करते हैं, तो वो अनर्थकम बचा प्रतीत होता है। अनर्थकम बचा जैसे प्रलापो नर्थकम बचा, तैसे अनर्थकम बचा प्रतीत होता है। जो अनुभवी है, जिसने अनुभव किया, उसको ही उसका अर्थ वर्थ लगता है, वास्तविक बात क्या है। क्या एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचनो नात्र काचन भेदा, षष्ठी पंचमी तो ठीक ही है, पर मतलब क्या इसका अंतिम, किस अर्थ का ये प्रतिपादन कर रही है, वो कहाँ है, अनुभव गम्य होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे जो जो अनुभव शून्य है उसके लिए वो अनर्थकम बचा, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं उनके लिए उनकी सार्थकता। जैसे बहुत से ऐसे प्रलाप वचन प्रतीत होते हैं गोपांगनाओं के, कहते क्या था, वही बात फिर से वही बात फिर से वही बात, जल सजत ब्रजा चारयन पटून नलिन सुंदरन नाथ ते पदम चल तृणाम कुरई जत्ते सुजात चरणाम रूहम तनेसु भीतासन प्रिय दधी। क्या बोल रही है गोपांगना, क्या कह रही है, क्या मतलब। तो इसका असल सार तो दूसरों के लिए अनर्थकम बचा है, पर वो रसिक शिरोमणि भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन के लिए बड़े महत्वपूर्ण वचन है। और वो सर्वेश्वर का सिंहासन डोल उठता है इन्हीं वचनों, सर्वेश्वर का सिंहासन डोल उठता है और कहीं से उठकर चल पड़ते हैं उनके लिए। इति गोप्य प्रलाय इति गोप्य प्रगायंत्या प्रलपंत चित्रधा, चित्रधा बहुत प्रकार चित्रम चित्र ढंग का प्रलाप। अपरिगणित गोपांगना है, अपरिगणित उनके भाव हैं, कोई कांत भाव होती है, कोई सख्य भाव होती है, कोई महाभाव होती है, कोई अधरूढ़ महाभाव होती है, ये सब भिन्न भिन्न उनके उनकी स्थितियां, उनकी स्थितियों के अनुसार उनके चित्रधा विचित्र प्रकार के प्रलाप। रुरुदु सुस्वरन राजन, और उच्च ईश्वर से निर्लज्ज होकर क्या दुनिया कहेगी, क्या संसार कहेगा, कहां लोक हमारा कहां परलोक हमारा, क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा, कुछ चिंता नहीं। एकमात्र मदन मोहन प्राण धन प्रियतम पर प्रेमास्पदानाथ अप्राण। इस रूप से विवलित हृदय होकर अपने श्याम सुंदर को उच्च स्वर से रोदन करके पुकारती हैं। अब गान न सुनो प्राणनाथ, रोदन सुन लो, रोदन सुनकर आ जाओ, गान सुनकर ना आते हो तो रोदन सुनकर आ जाओ। ये भी बड़ा सुस्वर है, गान जैसे सुस्वर है उससे कहीं सुस्वर ये रोदन है,
रुदु सुस्वर अंदाजन, सुस्वर रोदन किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा। बच्चा भी रोता है बड़े स्नेह से रोता है अम्मा के लिए। वो बत्तर अतृणाद, तृण न खाने वाला, दूध मात्र पर रहने वाला बछड़ा, वही मां चिल्लाता। मां एकदम दौड़ पड़ती। इसी तरह से शिशु जिस समय विवलित हृदय होकर मां को पुकारता है, मां मजाल नहीं सीख सके, दौड़ पड़ती। फिर वो कांगनाओं का इन भावों से और अनंत कोट गुणित ऊंचा भाव, अनंत कोट गुणित ऊंचा भाव, यही तो सब है ने पुकार दे। अजात पक्षायो मातरं खगाः, अजात पक्षायो मातरं खगाः, स्तन्यं यथा बत्सतरा क्षुधार्ताः, प्रियं प्रियेव विषुतं विषाणा, मनोरबिंदा क्षद दृक्षते। इत उत्तरोत्तर एक से एक ऊंचा भाव, एक से एक ऊंचा है। अजात पक्षायो मातरं खगाः, जैसे वो पक्षियों के बच्चे शावक घोंसलों में बैठे हैं, पक्ष पंख नहीं है, उड़ सकते नहीं, मां के चारे पर निर्भर हैं, मां आए वही चारा खिलाए तो खाएं, नहीं तो पंखहीन है वहीं बैठे हैं निराश्रय निराश्रय। अजात पक्षायव मातरं खगाः, ऐसे पंखहीन पक्षी शावक जैसे अम्मा की प्रतीक्षा करते हैं बड़े उत्कट उत्कंठा के साथ, और ऐसे स्तन्यं यथा बत्सतरा क्षुधार्ताः, ऐसे क्षुधार्त बत्सतर अतृणाद बछड़े, घास न खाने वाले दूध पर रहने वाले छोटे गाय के बछड़े, वो जैसे क्षुधार्त होकर के क्षुधा से पीड़ित होकर के अम्मा को पुकारते हैं, और अम्मा अम्मा रो करती हुई दौड़ती है आती है उत्सुक होकर। तीसरा अंतिम होता प्रियम प्रिय विषित, कौन प्रियम प्रिय? ब्रजांगना राजेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी राधा रानी ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी आदि आदि जो गोपांगना वृंद है, ये जैसे प्रियम प्रिय विषुतम विषाणा, जैसे प्रिया प्रेयसी प्रियतमा अपने प्रियतम प्राणनाथ पतिदेव को बड़े उत्सुकता के साथ बड़ी उत्कट उत्कंठा के साथ उत्सुक हृदय हो करके उसकी प्रतीक्षा करती बात जो होती है, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, हमारा मन उसी प्रकार से आपको देखना चाहता है। इस तरह से कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की ही लालसा, और कोई लालसा जिनको दुनिया में मुक्ति की लालसा नहीं, भुक्ति की लालसा नहीं, संसार में किसी वस्तु की लालसा नहीं, एकमात्र कृष्ण दर्शन लालसा, वो हृदय खींचने वाले कर्षतीत कृष्ण, हृदय खींचने वाले ऐसे मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के दर्शन की उत्कट लालसा से गोपांगना रो रहे। तो फिर भगवान आ ही रहे, अब कल बतलाएंगे कैसे आए क्या नहीं आए। श्री राम जय राम जय जय राम। अथवा कहते हैं पीताम्बर को एक विशेष रूप से धारण किया है, क्यों तो पीताम्बर कहने से काम चल जाता, पीताम्बरम जस्य पीताम्बर कोई हो जाता, धारा क्यों का धारा माने को विशेष रूप से धारण। एक तो इस धारण से गले में पीताम्बर को डाल लिया, गले में पीताम्बर को डाल लिया, और पादार बिंद पर्यंत लम्बमान, पादार बिंद पर्यंत लम्बमान पीताम्बर, ये
जिससे गोपांगनाओं को भूमि संश्लिष्ट पदारविंद का दर्शन न हो। इनकी पीड़ा का जो मूल निमित्त है कठोर भूमि से संश्लिष्ट पदारविंद में वेदना होगी, अथवा जैसे कोई अपराधी अपराधक क्षमापन करने के लिए गले में उस प्रकार का डाल करके हाथ जोड़ करके सामने आता है। इस तरह से सचमुच हम बड़े कठोर हैं, सचमुच आपका लोकोत्तर अनुराग है, आपके उस अनुराग की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम आगे कहेंगे कि हम भी गोपांगनाओं तुम्हारे ऋण से कभी अनऋण नहीं होंगे। आगे आए न पा रहे हम निर्वद्य संजुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। कहते देवताओं जैसी आयु भी प्राप्त करके तुम्हारे जो साधु कृत्य हैं उनका हम बदला देवताओं की आयु प्राप्त करके भी चुका नहीं सकते। न पा रहे हम निर्वद्य संजुजाम, क्योंकि तुम लोगों का संजोग निर्वद्य निष्कपट है, निर्दोष है, निर्दोष निष्कपट निष्काम जो तुम लोगों का अनुराग है, भाव है, उसका बदला विबुधायु पा करके भी देवताओं की आयु पा करके भी नहीं चुका सकते। तो इसलिए अथवा कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अपराधक क्षमापन करने के लिए कोई दांतों तले तिनका दबाता है, दांतों तले तिनका दबाता है अपराधक क्षमापन करने की दृष्टि से, जैसे पीतांबर को जो है सो क्या नाम श्री दंत के समीप, दांतों के समीप पीतांबर को दोनों हाथों से लेकर के उस रूप से विशिष्ट रूप से पीतांबर धर हो करके भगवान प्रकट हुए। अथवा सीधी सी बात यह है, गोपांगनाओं का जो अविरल गलद अश्रुधारा, अविरल जो अश्रुधारा आंखों से बह रही है, उसको पोंछने की दृष्टि से गोपांगनाओं के आंखों में जो अविरल गलद अश्रुधारा है, उस धारा को ही पोंछने के लिए हाथ में पीतांबर लेकर दौड़े चले आए। पीतांबर धर और क्या नाम सृगवी कुंद माला पहने, कुंद के फूलों की माला, रात्रि में उसकी ही शोभा आभा अच्छी रहती है, तो कुंद की माला पहने हुए हैं, क्योंकि वही प्रसंग है कुंदस्थ कुलपते रिह बाति गंधहा, वहां पर कुंद माला का वर्णन है। तो मानो श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, मानो इस समय अंतर्धान दशा में, यहां तो ये है कि सभी बाट जोड़े, कब हमको अवसर मिल जाए, अवसर ही का तो है बात, अवसर मिले, मांग बहुत है पूर्ति कम है, मांग बहुत पूर्ति कम है, महंगी चीज हो जाती है, मांग बहुत हो पूर्ति कम हो तो महंगी, और पूर्ति बहुत हो मांग कम हो तो वस्तु सस्ती हो जाए, तो वस्तु सस्ती नहीं बड़ी महंगी, बड़ी महंगी, क्योंकि मांग बहुत पूर्ति कम। सब भक्त अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, कब हमको अवसर मिल जाए, इतने भक्त हैं कि अवसर ही नहीं मिलता।
तो उधर अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती अवसर की प्रतीक्षा करती है, कभी हमको भी अवसर मिल जाए प्रभुपाद पंकज संस्पर्श करने का, हमको भी कभी अवसर मिल जाए प्रभु की अर्चा का। और जिसको अवसर आया उसने अपनी पूजा कर ली, और जिसने पूजा कर ली भगवान उसी की पूजा को स्वीकार किए बैठे हैं, और कोई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उसकी कुछ परवाह। बड़ा अच्छा इस संबंध का श्लोक पृथ्वी ने कहा है, पृथ्वी ने कहा है कि भक्तों ने आपके गले में माला डाल दी और माला हो गई पुरानी, सूख गई, तो वो सूखी हुई भक्तों के द्वारा समर्पित माला आपके गले में विराजमान है। गले में क्या विराजमान है? लक्ष्मी के ऊपर सौत बनकर विराजमान, वही तो लक्ष्मी है, वही वक्षस्थल में लक्ष्मी है, और उसी लक्ष्मी के ऊपर वो सूखी हुई कुरकुराती हुई माला। लक्ष्मी को खराब तो लगता होगा हमारे ऊपर ये माला, पर पृथु कहते हैं आप आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम हो, लक्ष्मी की क्या परवाह है, कुछ भी हो लक्ष्मी कुछ भी सोचती हो। आप भक्तों द्वारा समर्पित माला को तो नहीं हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? परजुष्टया तव विभो बनमालयेयम् प्रस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नवच्छ्री। तो इसीलिए भक्तों द्वारा समर्पित अरहण को आप बड़े प्रेम से लेते हैं, ग्रहण करते हैं और स्वीकार करते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते कि लक्ष्मी नाराज होगी या लक्ष्मी को इससे कुछ ये होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, यहां जो ये वनवासिनी गोपांगना, इनको यही तो कहा कि क्वेमास्त्रियः वनचरीर, क्वेमास्त्रियः वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ भावः। क्वेमास्त्रियः, ये स्त्रियां वनचरी वन में विचरण करने वाली वनचरी, और लोकदृष्ट्या व्यभिचार दुष्टाः, व्यभिचार आदि दोषों से दुष्ट। लोकदृष्ट्या लौकिक पति को परित्याग करके अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परम ब्रह्म जो परम पति है उस परम पति का अवलंबन किया है। तो कहां ये गोपांगना बनचरी, और कहां कृष्णे कोचई से परमात्मा रूढ़ भाव, कृष्ण परमात्मा में कहां ये रूढ़ भाव। नन्वीशरो अनुभजतो विदुषो पिसाक्षात, जो भगवान को भजता है भले ही अविद्वान हो, अविदुषो पिसाक्षात, अविद्वान भी कोई प्राणी भगवान को भजता है तो श्रेयस्तनो गदराज इवोपयुक्त। जैसे अगदराज अमृत आदि है, कोई अमृत अमृत को कोई अविद्वान भी सेवन करे तो भी अमृतत्व फल तो मिलाएगा ही। अमृत को सेवन करने से, अगदराज अमृत का सेवन करने से किसी भी प्राणी के भी सर्व प्रकार के रोग निवृत्त होते हैं। इस तरह से अविद्वान प्राणी भी यदि भगवान का सर्वात्म भाव से भगवान को भजता है, उनमें अपने मन बुद्धि को लगाता है, तो भगवान उसका भी परम कल्याण कर देते हैं। तो हम कह रहे थे ये कि इस तरह से सब लोग भगवत सम्मेलन की बाट जो होते हैं, भगवत सेवन के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। गोपांगना इसका भी तो बड़ा दुख प्रकट करती हैं, बहुत देर के तो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन वृंदावन धाम से गोकुल की ओर चलते हैं, और
आने लगते हैं तो बीच में ब्रह्मा जी पूजा करने को आ जाते हैं, बीच में रुद्रदेव जी पूजा करने को आ जाते हैं, कहीं सनकादिक आकर विघ्न बाधा डाल देते हैं, खड़ा कर लेते हैं। देर होती है हमारे नैनों को तो एक एक क्षण एक एक कल्प के तुल्य व्यतीत होते हैं। वंद्यमान चरण पथि वृद्धैः, वंद्यमान चरण पथि वृद्धैः, वृद्धै माने ब्रह्मादि भी, ब्रह्मादि जो वृद्ध हैं वो बीच में रोक लेते हैं पूजा करने के लिए, वहां रोक जाते हैं, क्या करें, देर हो जाती है। ये इसलिए मालूम होता है कि सभी देवाधिदेव वो अवसर की प्रतीक्षा करते हुए भगवान के पादारविंद की अर्चना करते हैं, अवसर की प्रतीक्षा। तो लक्ष्मी भी तो आराधना करते, उसको भी तो प्रतीक्षा है, वो भी चाहे कभी हमको भी अवसर मिले, परंतु ब्रज की प्रकट लीला में लक्ष्मी बिचारी को कहा अवसर, ये पीछे कह दिया है। जयति ते अधिकम जनमना ब्रज त्रैत इंदिरा शश्वदत्र ही, आपके प्रादुर्भाव से ब्रज अधिकं यथा स्यात् तथा जयति उत्कर्षेण वर्तते, माने कस्मात अधिकम, तो बोले वैकुंठादपि अधिकं यथा स्यात् तथा जयति, वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है आपका ब्रजधाम आपके जन्म से, आपके प्रादुर्भाव से, मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र के प्रादुर्भाव से ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई कि वैकुंठ धाम से भी अधिक बढ़ गई। वैकुंठ धाम से अधिक महिमा क्यों बढ़ गई, बोले त्रैत इंदिरा शश्वदत्त, वैकुंठ में तो इंदिरा सेव्या है, अत्र तो श्रैते कर्तरि प्रत्यय, अत्र तो इंदिरा श्रैते सेवते सेविका, जो वैकुंठ में सेव्या है, वैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी वैकुंठ वासियों द्वारा पूजित होती हैं, वैकुंठ वासियों द्वारा अभ्यर्चित होती हैं, परंतु वही वैकुंठ वासियों द्वारा अभ्यर्हित भगवती महालक्ष्मी अनंत कोट ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री वो आकर के ब्रज में स्त्रैते सेवते, यहां सेविका बनकर वृंदावन के उस पार है बिल्लोवन, वृंदावन यमुना के इस पार, बिल्लोवन उस पार, बिल्लोवन में रहती है स्त्री लक्ष्मी जो है बिल्लोवन में रहती है। तो और वो इसीलिए ब्रज का सेवन करती है, ब्रज का सेवन इसीलिए करती है यहां के ब्रज रज के स्पर्श से, ब्रज रज के स्पर्श से हम में वो गोपांगनाओं जैसी विशेषता आ जाए, जैसे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन उत्सुक होकर ब्रजांगनाओं से मिलते हैं, इधर तो लक्ष्मी उत्सुक होकर भगवान से मिलती, बोले ना क्या नाम सुमंगल कश्चन कांक्षते नमाम, बोले सुमंगल है तो लेकिन मुझको चाहते नहीं, औरों को लक्ष्मी नहीं चाहती, तो लक्ष्मी जिसको चाहती है उसको वो नहीं चाहती, दूसरे लोग जो लक्ष्मी को चाहते हैं उनको लक्ष्मी नहीं चाहती, लक्ष्मी जिसको चाहती है उसको वो नहीं चाहता, ये झगड़ा पड़ गया। तो इसलिए उसको शौक है कि जैसे ये उत्सुक होकर गोपांगनाओं को भजते हैं, गोपांगनाओं को मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, ऐसे कभी हमारे मिलने के लिए उत्सुक हों भला, तो कैसे होगा, जब ब्रजरज का सेवन करें, ब्रजरज का स्पर्श हो तो ब्रजरज की ही विशेषता गोपांगनाओं में है, और क्या बात, ब्रजरज की ही विशेषता गोपांगनाओं में है, जिससे उनके लोकोत्तर माधुर्य पर, उनके लोकोत्तर प्रेम निधि पर मुग्ध होकर मोहित होकर गोपाल उनके उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। तो ऐसे ही ब्रजराज का सेवन हम भी करें, हमें भी वो विशेषता आ जाए, ऐसी लालसा हो स्वभाव। इसलिए ककमे तुलस्या श्रीरजत पदाम्बुज रजस
चकमे तुलस्या लब्ध्वापि बक्षसि पदं किल भृत्य जुष्टम यस्या स्वीक्षण कृते न स्वर प्रयास तदवद वयंच तवराज स्वतो पाद रज स्वपन्ना सुश्रीर जत पदाम्बुज रज चकमे श्री लक्ष्मी जिसके पदाम्बुज रज की कामना करती श्रीजत पदाम्बुज रज चकमे कहते यद्यपि श्री को लक्ष्मी को निस्पत्न स्थान मिल गया और स्थल जो है भगवान का और स्थल वो लक्ष्मी के लिए निस्पत्न स्थल है पर वहां संतोष नहीं होता वो भगवान के पदाम्बुज रज को चाहती लेकिन जहां जहां पदाम्बुज रज है वहां उसकी सौत बैठी हुई है तुलसी तुलसी है वहां तो तुलसी है तो तुलसी के संविधान में एक जगह निस्पत्न स्थान मिला है तो वहीं बैठी रहो वो सपत्न युक्त स्थान में क्यों जाती हो पर कहती कुछ भी हो पर पदाम्बुज रज की महिमा तो ऐसी है कि जो कुछ भी हो सपत्नी का दुख भी सहन करना पड़े तो करेंगी पर जाएंगे वहीं इसलिए पदाम्बुज रज को चाहने लगती इससे प्रकट होता है कि कैसी अभिलाषा लक्ष्मी को भी कैसी अभिलाषा और कैसे अवसर का अवसर अवसर की प्रतीक्षा तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि मानो अंतर्धान हुए जब भगवान तो फिर गोपांगनाओं का संसर्ग तो है नहीं तो जो प्रतीक्षा करती थी लक्ष्मी अनंत कोट ब्रह्मांड की ऐश्वर्य अधिष्ठात्री उसको अवसर मिल गया आओ प्रभु हम भी आपको मिल गए तो वो लक्ष्मी जो है लक्ष्मी को अवकाश मिल गया और वो प्रभु का प्यार करने लगी और उसने प्रभु की पूजा किया बड़ी सुंदर माला पहनाई और बड़ा दिव्य श्रृंगार किया और बड़े अच्छे अच्छे जो है पीताम्बर भरत प्रजा तो ये अवसर की बात है अवसर मिल गया उसको तो मानो फिर गोपांगनाओं की विरह व्यथा देख करके और फिर लक्ष्मी को छोड़कर गोपांगनाओं की विरह वेदना का अनुभव करके और इनकी ये जो अनन्यता अरे प्रभु के पादारविंद में वो क्या लगता होगा कैसे करके ये जो तत्सुख सुखित्व की भावना है ये तो गोपांगनाओं में ही ये तत्सुख सुखित्व की भावना अपने सुख की कुछ कल्पना नहीं प्रभु सुख होना चाहिए अगर हमको त्यागने से प्रभु को सुख होता है तो ठीक है वो तत्याग जनित दुख को सहन करें तत्याग जनित दुख को सहन करें इसीलिए ढूंढना बंद कर दिया ढूंढो मत तुम ढूंढोगी तुम जैसे जैसे झाड़ों में जंगलों में निकुंजों में उनको ढूंढने जाओगी तो वहां से भागते हुए आगे बढ़ेंगे तो आखिर फिर पादारविंद में वो कंटक पंटक रात्रि को लगेगी वो झंझट खड़ा होगा इसलिए इससे उनका विप्रयोग जन तीव्र ताप सहो पर उनको ढूंढ कर कष्ट मत दो उनको विबल जो हुए वो विबल तो इसलिए इस संभावना से कि उनके पादारविंद में जरूर कुछ कंटक आगे बढ़ते हैं।